फ्रेंड्स, ये ई दृष्टि का 25वां वीडियो होगा और इससे पहले हम बाकी जितने भी वीडियोज हैं उन सभी वीडियो का डिस्कशन पिछले 24 वीडियोज में कर चुके हैं, जिसमें से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, चर्चित व्यक्तित्व वाले भाग को और ऑपरेशन अभियान जिसमें सैन्याभ्यास भी शामिल होता है उसका डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही में योजना परियोजना, इन सभी विषयों का डिस्कशन पीछे 24 वीडियो में कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पर आप जाइए, एग्जाम स्टडी एक्सी यूट्यूब पर सर्च करिएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर 24 वीडियो की प्लेलिस्ट है और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर जो है आपको आई बटन पर जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियो का प्लेलिस्ट आप पा जाएंगे। आई बटन को आप टच करेंगे तो वहाँ पर जो है ई दृष्टि रिमाइंडर का जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही में और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लेकिन अभी जो बेहद खास महत्वपूर्ण है वो रिमाइंडर है, चूँकि वो एक प्रकार का रिवीजन है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि तथा समझौता वाले पार्ट की, इससे जुड़े हुए सारे सवालों को देखेंगे। और अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम इसी में और पार्ट को भी हम कवर कर लेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। 28 मई 2020 को एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने, देखिए दो संस्थाएं शामिल हैं, संस्थाओं को बहुत ध्यान दिया जाता है और ख़ास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि विकल्प में उसको बदल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एशियाई विकास बैंक है, मान लीजिए अभी आपकी बीओ वाला एग्जाम होने वाला है तो वहाँ पर अगर पीसीएस लेवल के सवाल आते हैं, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर होता यह है कि विकास जो भी स्टेटमेंट होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एशियाई विकास बैंक लिखा हुआ है तो वहाँ पर विश्व बैंक कर देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। एमएसएमई मंत्रालय के तहत किस बोर्ड ने अपने उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर होगा कायर बोर्ड। और अगला है कि अप्रैल 2020 में एनआईआईटी, जिसका नाम है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ने किस अमेरिकी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ प्रबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर होगा एडटेक जो है ये अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके साथ में जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, नाम है इसका एडटेक। और आईबीएम चर्चा में क्यों है इसको देख लेते हैं। दरअसल अप्रैल 2020 में आईटी फर्म टेक महिंद्रा लिमिटेड ने अपने वैश्विक ग्राहकों के बीच डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और अधिक हाइब्रिड क्लाउड आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने के उद्देश्य से नवाचार केंद्रों की स्थापना करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये कंपनी का नाम है आईबीएम। इसी के साथ में नवाचार केंद्रों की स्थापना के लिए इसने जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत जो है डिजिटल परिवर्तन को और अधिक जो है वो डिजिटल जो एक चेंजेस आ रहा है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें मेन क्या है, इसमें है हाइब्रिड क्लाउड आधारित जो टेक्नोलॉजी है वो इसके मूल में है। अप्रैल 2020 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने आभासी और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने हेतु किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका उत्तर होगा मास्टर कार्ड के साथ। अब देखिए यहाँ पर आभासी यानी कि वर्चुअल भी होगा, जो मोबाइल के जो है एप्लीकेशन के माध्यम से काम करेगा, और भौतिक का मतलब जो आप परंपरागत एटीएम कार्ड जो यूज करते हैं वही डेबिट कार्ड जो है वो अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी जो है जारी करेगा मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। और अगला है कि अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर होगा उपभोक्ता एकता ट्रस्ट सोसाइटी। अप्रैल 2020 में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है, ने नवीनतम कोडन डी अनुकूलन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लाइव तनु स्वार्स कोवी2 वैक्सीन, या जिसको कोविड-19 वैक्सीन भी कहते हैं, विकसित करने हेतु किसके साथ अनुबंध किया है? इसका उत्तर होगा ग्रेफिड विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। अप्रैल 2020 में श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट पर आधारित एक आपातकालीन वेंटिलेटर सिस्टम के प्रोटोटाइप का संयुक्त रूप से निर्माण करने हेतु किसके साथ करार किया है? तो इसका उत्तर होगा विप्रो 3D बेंगलुरु के। 8 जनवरी 2020 को भारत के निर्वाचन आयोग ने किस देश के निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर पूर्व समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? इसका उत्तर होगा मॉरिशस। 8 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने आगामी 5 वर्षों की अवधि हेतु राज्य में जलवायु लोचशील शून्य
बजट के शून्य बजट प्राकृतिक खेती का विस्तार करने हेतु किसके साथ 711 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो जर्मन विकास बैंक KfW है। और देखिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती का मतलब ये होता है कि एक प्रकार की जो है जैविक ऑर्गेनिक कृषि जिसमें रसायन का प्रयोग ना किया जाए। 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच ध्रुवीय विज्ञान क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। ध्यान रखिएगा ध्रुवीय विज्ञान क्षेत्र में ये समझौता हुआ है तो किसके साथ में हुआ है, ये स्वीडन के साथ में हुआ है। और वैसे भी आपको पता होगा कि स्वीडन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बर्फीले क्षेत्र में स्थित है, बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में स्थित है, कुल मिलाकर कहें तो उच्च अक्षांशों में वो स्थित है। 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, तो भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता ज्ञापन जो है स्वीकृत करवाया है। और नेक्स्ट है 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आवागमन और स्वतंत्र गतिशीलता साझेदारी समझौते के लिए मंजूरी प्रदान की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 10 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किसके साथ हुए तकनीकी सहयोग समझौते को मंजूरी प्रदान की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। इसका भी हो जाएगा यानी कि इसका भी और ऊपर वाले का दोनों का उत्तर फ्रांस हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2019 को CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने फास्टैग की बिक्री हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। 23 दिसंबर 2019 को मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार नाबार्ड और किस राज्य के बीच मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के कार्यान्वयन हेतु प्रथम त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने जो है वो मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार का और नाबार्ड के माध्यम से जलीय कृषि अवसंरचना के विकास कोष को के कार्यान्वयन को लेकर के एक समझौता ज्ञापन जो है तैयार करवाया है। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI ने किसके परस्पर सहयोग और तकनीकी सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका उत्तर होगा अस्ताना फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि कजाकिस्तान की है। 16 दिसंबर 2019 को एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड को देश में ऊर्जा दक्षता निवेशों को विस्तार करने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका उत्तर होगा $250 मिलियन। और 25 दिसंबर 2019 में किस भारतीय बैंक ने भारत में ऊर्जा कुशल आवास कार्यक्रम की स्थापना हेतु जर्मन विकास बैंक के साथ $277 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका उत्तर होगा SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मार्च 2020 में गुजरात सरकार ने राज्य में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने हेतु किस कार कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इस कंपनी का नाम है PALV और जो कि नीदरलैंड की कंपनी है। और अगर इसी सवाल को देश को क्या कहते हैं संदर्भ में रखकर के पूछ लिया जाए कि यानी कि गुजरात सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ में देश में विनिर्माण राज्य में विनिर्माण संयंत्र लगाने हेतु किस कार कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो उस देश का नाम यहाँ पर हो जाएगा नीदरलैंड, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। और अगला है कि 15 मार्च 2020 को आयल इंडिया लिमिटेड ने कच्चे तेल की बिक्री और खरीद हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी और जो कि आसाम में पड़ती है। 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग और किसके बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, तो इसका उत्तर होगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला है कि 7 फरवरी 2020 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित डेफ एक्सपो 2020 के दौरान समझौता कितने समझौता ज्ञापनों एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये टोटल इनकी संख्या 200 थी। और यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि 7 फरवरी 2020 को निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया था, तो वो हो जाएगा उसका उत्तर लखनऊ। 7 फरवरी 2020 को DRDO की प्रयोगशाला हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरीज जो कि पुणे में स्थित है ने अत्याधुनिक पायरो टेक्निक ज्वलन प्रणाली विकसित करने हेतु किसके साथ तकनीकी विकास समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट जो कि रूस की एक कंपनी है। और अगला है कि 5 फरवरी 2020 को वर्ष 2020 के दौरान भारत में 2 मिलियन मीट्रिक टन यूराल ग्रेड कच्चे तेल के आयात हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ प्रथम सावधि अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका नाम है रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट, तो इसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। 3 फरवरी 2020 को
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने भारत में मानव रहित लड़ाकू विमानों के निर्माण हेतु किसके साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि ये दो कंपनियां हैं जिसमें से एक है हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरा है DTL जिसको डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ने कंपनी है जिसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इसके साथ मिलकर के भारत में मानव रहित लड़ाकू विमानों को बढ़ावा देने के लिए उसके निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और अगली न्यूज बोडो समझौता को लेकर के जुड़ी हुई है। आप जानते होंगे कि असम के जो 4-5 जिले हैं वहाँ पर बोडो लैंड को लेकर के मांग होती रहती है, तो यहाँ पर सवाल देखते हैं कि बोडो समझौता 2020 किसने हस्ताक्षर किए बोडो समझौता पर। तो यहाँ पर एक तो केंद्र सरकार है, दूसरा असम सरकार है और तीसरा बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधि। तो ये तीन लोग जो है असम समाज क्या कहते हैं जो बोडो लैंड का समझौता है उसमें शामिल रहे हैं। 27 जनवरी 2020 को GOTT परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना हेतु गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और किस राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। परियोजना में क्या है, परियोजना ये है GOTT परियोजना और इसी की स्थापना की जाएगी और दो संस्थाओं के माध्यम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है और दूसरा एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। अगला है कि 24 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने हैदराबाद क्षेत्र में संचार संसाधन इकाई की स्थापना हेतु किसके साथ साझेदारी घोषणा की है, तो इसका नाम है, इसका उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ। और अगला है कि 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार और ब्राजील के नागरिकता मंत्रालय के बीच किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है, इसका उत्तर 6 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और गिनी के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये नवीकरणीय एनर्जी को लेकर के है। और अगला है कि 6 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फेनी नदी से भारत द्वारा 1.82 क्यूसेक पानी प्राप्त करने के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है। भारत के किस शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु फेनी नदी से पानी प्राप्त करना चाहता है, तो ये त्रिपुरा का शहर है, सबरूम शहर है। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि फेनी नदी जो है किन दो देशों के बीच का जो है वो जल विभाजन को लेकर के संबंध है, तो भारत और बांग्लादेश के को लेकर के है। और अगला है कि 6 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है, इसका उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षेत्र। 31 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ की महापरिषद की दूसरी बैठक के दौरान किन दो नए देशों ने ISA मसौदा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, कुल मिलाकर के ये जो मसौदा है उसमें दो और नए देश कौन शामिल हुए हैं, तो इसमें इरिट्रिया, सेंट किट्स और नेविस, ये तीन देश हैं। 24 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक के बीच उड़ीसा में छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को मजबूत बनाने हेतु कितनी ऋण राशि का समझौता हस्ताक्षर हुआ है, तो इसका उत्तर होगा $165 मिलियन।